Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. I am Payan, your teacher. Today we are going to start our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journey in Social Studies Class 1. आज हम अपना chapter number 1 start करेंगे. Chapter का नाम है This is I. मतलब यह है मैं हूं. तो चलिए पढ़ते हैं अपना चैप्टर सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में पढ़ेंगे. थिंग्स आई लाइक, जो चीजें मुझे पसंद है. आर आइडेंटिटी कार्ड, और मैं आपको बताऊंगी आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ऑल अबाउट मी, तो अपने बारे में बताएंगे. माय नेम इज, आपको यहां अपना नाम लिखना है. जैसे मैं लिखूंगी माय नेम इज पायल, PAYAL, तो आप यहां पर अपना नाम लिखेंगे. आई एम अ, मैं हूं. आई एम अ बॉय और अ गर्ल, आप बॉय हैं तो बॉय लिखेंगे, गर्ल हैं तो गर्ल. मैं गर्ल हूं तो मैं गर्ल लिखूंगी. I am dash years old. मैं कितने साल की हूँ, तो मैं अपनी उम्र लिखूंगी, आप अपनी लिखेंगे. तो मैं लिखूंगी I am 35 years old. My birthday is on. मेरा बर्थडे कब आता है, आप यहाँ अपनी बर्थडे डेट लिखेंगे. I study in class. मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, आप सब क्लास वन में पढ़ते हैं, आप लिखेंगे क्लास फर्स्ट. द नेम ऑफ माई स्कूल इज, मेरे स्कूल का नाम. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर स्कूल. माई एड्रेस इज, मेरा पता है. बच्चों आप सबको अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर जरूर याद होना चाहिए. ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम सबको याद होनी चाहिए. My parents' mobile numbers are, आपको अपने मम्मी और पापा का मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है. I love to play, आपको क्या खेलना पसंद है, यहाँ पर आप अपना फेवरेट गेम लिखेंगे जो आपको खेलना पसंद है. किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को बैडमिंटन, कार्ड्स, लूडो एक्सेट्रा. Now I will tell you things I like, जो चीजें मुझे पसंद है. Navika is very happy to meet you. Navika नाम है एक लड़की का, वो बहुत खुश है आपसे मिलकर. She wants to be your friend. वो क्या बनना चाहती है, आपकी friend, आपकी दोस्त बनना चाहती है. हम सबको दोस्त बनाना अच्छा लगता है. She wants to tell you the things she likes to do. वो आपको बताएगी कि उसको क्या पसंद है और क्या करना पसंद है. I love to go to school. नविका कह रही है कि मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, आप सबको भी पसंद होगा. I like to play football. नविका को फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, आप सबका भी फेवरेट गेम होगा जो आपको खेलना अच्छा लगता होगा. I love to paint. नविका को पेंटिंग ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है. You know, मेरे को भी. You know, क्या आप जानते हैं, मुझे भी पेंट करना बहुत अच्छा लगता है. पेंटिंग इज my हॉबी. Now I will tell you what is identity card. आप सब स्कूल आते हैं, गले में एक कार्ड डाल के आते हैं. उस कार्ड पर आपका नाम, फादर्स नेम, क्लास, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखा होता है. उस कार्ड को हम आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं. एवरी स्टूडेंट वियर अ स्पेशल कार्ड टू स्कूल. सब बच्चे एक स्पेशल कार्ड पहनकर स्कूल जाते हैं, विच इज नोन एज आई कार्ड, जिसे हम आई कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं. Identity card helps teacher, friends and others know who we are. Identity card से हमारी teacher, हमारे friends हमें पहचानते हैं कि हम कौन हैं.
An I card has a student's name and other important details such as class, school and address. I card पर क्या होता है? Student का नाम होता है, class होता है, school का नाम होता है और आपका address होता है. बच्चों, आप सबको जब आप स्कूल जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड जरूर पहन कर जाना चाहिए. कभी भी आपको आइडेंटिटी कार्ड पहनना नहीं भूलना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं, आपने अपने स्कूल की टीचर्स को भी देखा होगा, हर स्कूल की टीचर के पास भी आइडेंटिटी कार्ड होता है. कुछ ऑफिस में भी, हॉस्पिटल्स में भी आजकल सब लोग आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं. लुक ओवर, देखिए, फिल योर आइडेंटिटी कार्ड नीटली. यहाँ पर आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपको उसको बहुत अच्छे से फिल करना है. नेम, अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर. इफ यू आर अवेलिंग स्कूल बस देन यू हैव टू राइट बस रूट नंबर ऑल्सो. नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर. एस्टिमेशन कॉर्नर का मतलब है कि आपने जो लेसन में पढ़ा उसके बेस पर अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे. क्वेश्चन वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है और उनसे रिलेटेड ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है और ब्लैंक को फिल करना है. नंबर वन, डैश इज वेरी हैप्पी टू मीट यू. आपसे मिलकर कौन बहुत खुश थी? नविका, रति, प्रीति या सीमा? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा, नविका आपसे मिलकर बहुत खुश थी. शी वॉन्ट्स टू टेल यू द थिंग शी डैश टू डू. वो आपको बताना चाहती थी कौन सी चीजों के बारे में. शी लाइक्स टू डू, उसको जो चीजें पसंद है. नंबर थ्री, अ स्पेशल कार्ड इज फॉर स्टूडेंट नोन एज. जो स्पेशल कार्ड स्टूडेंट्स के लिए बनता है उसे क्या कहते हैं? पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड? उसे हम आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं और आई कार्ड भी कहते हैं. एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक. अब हमें कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है. आई लिव इन डैश सिटी और टाउन. आपको बताना है आप कहाँ रहते हैं, सिटी में या फिर टाउन में. I am dash years old. मैं कितने साल का हूँ? आपको यहाँ पर अपने ईयर्स लिखने हैं. My birthday is on, अपनी बर्थडे डेट लिखनी है. The name of my best friend is, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है. I like to eat, आपको जो खाने में पसंद है, जैसे मुझे केक खाना बहुत पसंद है तो मैं लिखूंगी I like to eat cake. Mr. Mrs. Dash is my class teacher. You have to write the name of your class teacher. अगर आपकी class teacher male है, then you will use Mr. अगर वो female है, तो आप Mrs. use करेंगे. Now time to do exercise C. Name the following. आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताई हुई हैं, उनके नाम लिखने हैं. My favorite dish. आपकी favorite dish क्या है? आपको उसके बारे में लिखना है. जैसे मेरी फेवरेट डिश है राजमा, तो मैंने लिखा राजमा. माय फेवरेट कलर, आप सबका फेवरेट कलर. मेरा फेवरेट कलर है पिंक, तो मैंने लिखा PINK, पिंक. माय फेवरेट स्पोर्ट, आपका फेवरेट स्पोर्ट. मेरा फेवरेट स्पोर्ट है बैडमिंटन, बैडमिंटन. My favorite cartoon show. ये सब बच्चों को अच्छा लगता है कार्टून देखना. You have to write your favorite cartoon show name here. Now exercise D. State whether the following statements are true or false. यहाँ पर कुछ statements दी हुई हैं, आपको बताना है अगर वो सही हैं तो आप true लिखेंगे, अगर वो गलत हैं तो आप false लिखेंगे. सबसे पहली स्टेटमेंट है, वी वियर एन आइडेंटिटी कार्ड इन आवर स्कूल. हम अपने स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम लिखेंगे ट्रू. नंबर टू,
वी लाइक टू गो स्कूल टू प्ले गेम्स, हमें स्कूल जाना क्यों अच्छा लगता है गेम्स खेलने के लिए। नो, हम स्कूल लर्निंग और प्लेइंग दोनों के लिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हम लिखेंगे फॉल्स। नंबर थ्री, समथिंग डेट वी डू नॉट लाइक टू डू इज आर फेवरेट, जो चीजें हमें करनी अच्छी नहीं लगती वो हमारी फेवरेट होती हैं, बताइए। नो, वो हमारी फेवरेट चीजें नहीं होती, तो हम यहां लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। वी राइट आर नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑन आर क्लॉथ, हम अपने कपड़ों पर अपना नाम, टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि हम अपना नाम, पता और क्या, अपने स्कूल का नाम किस पर लिखते हैं, आइडेंटिटी कार्ड पर लिखते हैं। सो माई डियर स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।